हम मोबाइल देखते देखते अगर हमारे सामने किसी और का वीडियो आ जाता, मतलब कोई ऐसे बोलता हो हम बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बना रहे पा रहे थे, आज वीडियो बना रहे, बहुत दिन हो गया हम ऑनलाइन नहीं आ रहे थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो हमको बड़ी हंसी आ रहा था। तो मत बनाओ, आज कौन कौन तुमको बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो मत बनाओ। ऐसे क्या दिव्य ज्ञान देने वाले हो सारे इंडिया वालों को, जो सुन के सबको सुकून आएगा, चैन की नींद सोएंगे। मैं ऐसे सोचती थी, हालांकि मैं किसी को कमेंट नहीं की कभी, लेकिन मेरी मेंटेलिटी ऐसी मतलब कि जब मैं आज खुद वीडियो बना रही हूँ, जब आप प्रोफेशनल लाइन में आ जाते हैं ना, सपोज एक चैनल क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको मतलब कंपलसरी हो जाता है वीडियो बनाने के लिए। आप डेली वीडियो नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रीच, आपका वॉच और सब कुछ मतलब घटता जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कल ज़्यादा हुआ था आज कंपलसरी कुछ ना कुछ लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको कंपलसरी मतलब वीडियो डालना पड़ेगा। आज मतलब समझ में आ रहा है, कहने का मतलब यही है, वो यूट्यूब छोड़ दीजिए, वीडियो वगैरह छोड़ दीजिए, रियल लाइफ में हो, कुछ भी हो, किसी के बारे में अगर हमको भला बुरा कुछ बोलना है, कुछ कहना है, हमको एक बार सोचना चाहिए, क्या हम सच में उनके बारे में कुछ जानते हैं? क्या सच में वो इतना बुरा है? क्या जिंदगी में कभी हम उनसे मिले हैं? क्या हम सच में उनके अच्छाई को जानते हैं, बुराई को जानते हैं, जो हम आज बोलने वाले हैं, जो हम बोलने के लिए जा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं? क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो किसी को शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आप अगर बुरा बोलेंगे ना, तो पता नहीं कितना हद तक वो उसको बुरा लगेगा। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को जानते नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आप उसको अच्छा मत बोलिए, कोई बात नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर बुरा बोलेगा ना, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस फर्क पड़ेगा। इसलिए किसी को कुछ बोलने से पहले ना एक बार सोच ले जरूर, क्या हम सच में जानते हैं, या ऐसे ही मतलब मन की भड़ास निकालने के लिए, या हम एक इंसान है, हम इतने अच्छे, ये प्रूव करने के लिए दूसरों को हम ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से ना जिंदगी में एक बार कंपलसरी आपको वही दिन आएगा, आपके साथ भी होगा वही दिन, मतलब आप चिल्लाते चिल्लाते समझाते समझाते थक जाएंगे कि हम अच्छे हैं, हम ऐसे नहीं किए, हम वैसे नहीं किए, एक्चुअली हम हमारा कहने का मतलब ऐसे नहीं था, हमारा करने का मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन आपको सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं होगा। आप वही हालत में पहुंच जाएंगे जिस हालत में आप दूसरों को सर्टिफिकेट दिए थे। इसलिए कुछ बोलने से पहले ना अपना ओपिनियन खुद के पास ही रखिए, जरूरी नहीं आप मतलब आपका ओपिनियन नहीं देंगे तो मतलब वो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कुछ गलत बोलेंगे ना, तो हो सकता है किसी और को फर्क पड़े। तो कुछ बुरा बोलने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी कि दूसरे के बारे में आप जरूर थोड़ा जानकर बोलिए, नहीं तो एक ना एक दिन आपके ऊपर कंपलसरी आएगा, 100% आएगा, ये गारंटी है। रखती हूँ, बाय बाय।